राहुल गांधी उज्बेकिस्तान से वापस लौट आए हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जाने का तो पता नहीं चला। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जाने का पता नहीं चलता अक्सर राहुल गांधी जब भी कहीं जाते हैं, क्योंकि एक गुप्त मिशन था, तो मिशन पूरा होने के बाद ही पता चला है कि राहुल गांधी इस गुप्त मीटिंग के बाद फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि इससे पहले वो चीन से गुप्त मीटिंग कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इन यात्राओं के उद्देश्यों और जानकारियों को गुप्त रखा जाता है, सुरक्षा को लेकर भी नहीं जाया जाता। राहुल गांधी की गुप्त यात्राओं का ट्रैक रिकॉर्ड जब आप सुनेंगे तो हैरान भी रह सकते हैं। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने युवराज को लगातार लॉन्च कर रही है, कोशिशें प्रधानमंत्री बनाने की हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। लेकिन इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, कूली बन जाने की बात हो, या फिर किसानों के बीच जाकर धान की कटाई करते हुए उन्हें दिखाया जाना हो, या फिर हर चुनाव से पहले विदेशों का दौरा करना हो। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, जब राहुल के द्वारा किए गए हर काम का जबरदस्त प्रचार कांग्रेस पार्टी करती है, तो फिर राहुल की विदेश यात्राओं पर पर्दा क्यों डाल दिया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता कि हर चुनाव से पहले राहुल विदेशों में क्या करने जाते हैं? वो मुलाकात चीन से हो या फिर जॉर्ज सोरोस के पैसे पर पलने वाले लोगों से, आखिर इसकी वजह क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं मौजूदा दौरे से, जिसमें वो उज्बेकिस्तान गए थे। कांग्रेस के युवराज उज्बेकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। क्या करने गए थे नहीं पता, लेकिन ये जरूर जान लेना चाहिए कि इंदिरा गांधी के वक्त से इस देश के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे हैं। लेकिन इतने सालों बाद राहुल ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया, वो किसी को भी हजम नहीं हो रहा। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल ने इस बार अपने गुप्त दौरे के लिए आखिर उज्बेकिस्तान को ही क्यों चुना? एक और बात जो खटकती है वो ये है, जब उनकी पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी वो देश में नहीं होते। गुप्त यात्राओं की जानकारी भी गुप्त। राहुल गांधी जिन सीक्रेट मीटिंगों के लिए देश के बाहर जाते हैं, उनकी जानकारी किसी के पास नहीं होती। मकसद क्या होता है नहीं पता चल पाता। साल 2019 में उन्होंने अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की कई यात्राएं की थी। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया संस्थानों से मुलाकात की। राहुल गांधी के इन विदेशी दौरों के बारे में कई तरह की अटकलें भी लगाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की तलाश कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है भारत के आंतरिक मामलों में विदेशों के हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उदाहरण से समझिए, राहुल गांधी ने विदेशी दौरों के दौरान कई बार भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात की। साल 2023 में ही राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे के दौरान हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की। हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स एक इस्लामवादी वकालत समूह है जो भारत में हिंदुओं पर भेदभाव करने का आरोप लगाता है। डिस इन्फो लैब के मुताबिक हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक सुनीता विश्वनाथ वुमन फॉर अफगानिस्तान वुमन नाम से एक संगठन भी चलाती हैं, जिसे सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा पैसा दिया जाता है, और ये ओपन सोसाइटी जॉर्ज सोरोस ही चलाता है। इटली और ब्रुसेल्स में भारत विरोधी लोगों से मुलाकात। राहुल गांधी ने इटली और ब्रुसेल्स की अपनी यात्राओं के दौरान भी भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात की। इटली में उन्होंने भारत विरोधी इतालवी वामपंथी राजनेता फैबियो मासिमो कास्टाल्डो से मुलाकात की। फैबियो कास्टाल्डो यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य हैं। इतालवी वामपंथी नेता कास्टाल्डो की इटली में ISI के लिए काम करने वाले परवेज इकबाल लॉसर के साथ दोस्ती है, और वो यूरोप में ISI का महत्वपूर्ण हैंडलर है। यही नहीं, ब्रुसेल्स में उन्होंने भारत विरोधी यूरोपीय सांसदों से भी मुलाकात की, जिनमें अल्विना अल्मेत्सा और पियरे लारुटोरो शामिल थे। पियरे लारुटोरो बाद में मणिपुर के मुद्दे पर यूरोपीय संघ की संसद में सवाल उठाने वाला वही व्यक्ति निकला था, यानी राहुल गांधी की मुलाकात मणिपुर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में मददगार साबित हुई, ऐसा कहा जा सकता है। अब आप राहुल गांधी की यात्राओं की टाइमिंग भी समझ लीजिए, पता चलेगा कि कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है और क्या नहीं। इस बात से राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी और गुप्त यात्राएं।
2022 में जब प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही थी, हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी 10 दिनों के लिए पता नहीं कहां चले जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होती और कांग्रेस पार्टी बिना अपने नेता के काम करती है। 2021 में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे तो राहुल गांधी इटली के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं, नतीजा पंजाब में क्या हुआ वो सबने देखा, केजरीवाल ने कांग्रेस का पंजाब से सफाया कर दिया। गनीमत हिमाचल की रही जब वहां प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया, बात यही नहीं रुकती, उसी वक्त इटली से आने के बाद वो फिर कहीं चले जाते हैं और कथित तौर पर पता चलता है कि वो लंदन गए थे। पार्टी की तरफ से बताया जाता है कि वो छुट्टियां मनाने गए हैं, एक महीने की छुट्टी बिताकर वो वापस लौटते हैं। उसके बाद जब अमरिंदर सिंह के इस्तीफे का दौर चला तो गांधी परिवार उस वक्त शिमला में छुट्टियां मना रहा था। उससे पहले दिसंबर 2020 में कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही थी, तब भी राहुल इटली के लिए रवाना हो गए थे। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने थे और चुनाव से 15 दिन पहले राहुल गांधी कथित तौर पर बैंकॉक चले गए। उसी साल लोकसभा चुनाव के ठीक बाद छुट्टियां मनाने के लिए राहुल गांधी फिर लंदन चले जाते हैं। सोनिया गांधी ने जो बैठक उस वक्त बुलाई थी उसमें भी शामिल होने की जहमत राहुल गांधी नहीं उठाते। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपनी SPG की सुरक्षा को भी साथ लेकर नहीं जाते। क्यों लेकर नहीं जाते, इस सवाल का जवाब या तो राहुल गांधी दे सकते हैं या फिर उनकी पार्टी दे सकती है, और कारण भी यही था कि राजनाथ सिंह ने इस मामले पर उनसे संसद में सवाल पूछा था। अब इन दोनों के पीछे और विदेश में जाकर उनकी भाषणबाजी का मकसद क्या है वो भी आप समझ लीजिए। विदेशी मदद के लिए इतने परेशान क्यों है राहुल गांधी? राहुल गांधी के जितने भी विदेशों में दिए गए बयान हैं उन पर अगर आप नजर डालेंगे पता चलेगा कि राहुल चाहते हैं कि देश के अंदरूनी मुद्दों पर विदेशी ताकतें हस्तक्षेप करें, लेकिन सवाल है कि क्यों? आज जब दूसरे देश भारत से मदद मांग रहे हैं, ऐसे में राहुल उनसे मदद क्यों मांग रहे हैं? भारत में अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी विदेशी मदद मांगने जाते रहते हैं। एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने वैश्विक वामपंथियों के सामने ये घोषणा करना शुरू कर दिया कि भारत अराजकता में डूबा हुआ देश है जहां लोकतंत्र का पतन हो रहा है और केवल वो ही इसे बहाल कर सकते हैं। अप्रैल 2021 में हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था, अमेरिकी सरकारी प्रतिष्ठान को भारत में क्या हो रहा है इस बारे में और अधिक बोलना चाहिए। साल 2022 में यूनाइटेड किंगडम में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने फिर से विदेशी हस्तक्षेप की मांग की थी। यही नहीं, लद्दाख की तुलना उन्होंने यूक्रेन से करते हुए अमेरिकी हस्तक्षेप की मांग की थी। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी भाषण दिया था। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन 2013 से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गिल्ड ऑफ बेनिफैक्टर्स की सदस्य है। उसी जॉर्ज सोरोस ने भारत में सत्ता परिवर्तन करने के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया है। अगर सीधे तौर पर बताऊं तो मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जॉर्ज सोरोस ने इस फंडिंग का ऐलान किया था। सोरोस ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ग्रुप पर खुलकर निशाना भी साधा था। इसका लिंक अगर कांग्रेस के साथ देखें तो कांग्रेस अडानी विवाद को खूब उछाल रही है। ऐसे 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 अगर सारे मुद्दे हैं जिन्हें जोड़ने पर यह बात साफ तौर पर समझ आती है कि कांग्रेस और राहुल गांधी भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हैं और इसके लिए वो किसी भी विदेशी मदद के लिए तैयार हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ आप समझने के लिए महुआ मोइत्रा का केस भी देख सकते हैं जिन पर अडानी मामले में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप लगे हैं और वो इस बात को कबूल भी कर चुकी हैं कि उनकी लॉगिन आईडी दुबई से हीरा नंदानी ने खोली थी और उन्होंने ही उस पर सवाल भी डाले थे। और अब आप राहुल गांधी की उज्बेकिस्तान यात्रा भी उसी कड़ी में जुड़ी हुई हो सकती है। वैसे ये बात जनता को भी सोचनी है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव है और राहुल गांधी सीक्रेट मिशन पर लगातार विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, तो कम से कम राहुल गांधी से इतना तो पूछा जाना चाहिए कि विदेशों में इन सीक्रेट मीटिंग्स में वो आखिर करते क्या हैं। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।